थाना छत्ता के समीप यमुना किनारा स्थित श्रीनगर सेन बाबा के मंदिर पर मंगलवार को भव्य व विशाल 45वें भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर पर आयोजित हुए फूल बंगले और भंडारे बाबा के प्रसाद वितरण के कार्यक्रम में आने वालों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर हेमलता दिवाकर ने भी उपस्थिति दर्ज कराते हुए श्रीनगर सेन बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर दिवाकर समाज की आगरा की एक शान है। इसमें मंदिर पर दिवाकर समाज से मतलब नहीं है, इस पर साल में 3 जो भंडारे का आयोजन होता है उसमें आप द्वारा सारी सर्व समाज इस भंडारे के आयोजन में अपना हिस्सा देती हैं। और इसमें आप होली वाले भंडारे पर जब आएंगे तो देखेंगे ना, सब समाज आपको दिखेगा। और मान्यताओं की जो लोग मानते हैं कि बाबा के दर पर आने से हमें क्या मिलता है, बाबा के दर पर जो भी आता है वो खाली नहीं जाता है, किसी भी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो। ये दिवाकर समाज की बैतक संपत्ति नहीं है बाबा, ये सर्व समाज की संपत्ति है। इसी का एक स्थान दिमनी में है, अम्बा पुरसा से पहले दिमनी में जिला मुरैना पड़ता है उसका। उस मंदिर पर जाकर आप देखिए, ये आपका फागुन का महीना जो आएगा उसमें 4 मेले सोमवार के बहुत विशाल रूप लेते हैं। थाना छत्ता के सामने बाबा नगरसेन का मंदिर जो प्राचीन बना हुआ है 1978 से, यहाँ पूरे समाज सब देख रेख करते हैं। आज से 50 साल पहले यहाँ कपड़े धोने का कार्य हुआ करता था, तो अचानक ही हमारे दिमनी के बाबा प्रकट हुए, 2 ईंट प्रकट हुई यहाँ पर। जो श्रद्धालु जन और हमारे समाज के लोग, उन्होंने देखा कि माला छड़ी हुई है और ईंटों पर कि बाबा स्वयं नगरसेन दिमनी से आकर यहाँ उपस्थित हुए। 4 लोगों में आकर उन्होंने दिमनी गए, जिसमें कि बाबा रमेश चंद रजक जी, जो स्वर्गीय सीताराम जी, और 2 व्यक्ति और अन्य थे। इन्होंने बाबा का एक मठ बनाया। उस मठ के बनाने के बाद श्री राम शोभा यात्रा जो कि 1998 में यहाँ से निकली। बड़े हर्षोल्लास के साथ में आपको अवगत करना चाहता हूँ, हमारी दिवाकर समाज को अभी तक अनभूल में पड़ी थी। हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारा यहाँ इतना बड़ा मंदिर यहाँ प्रकट है। कुछ लोग, चंद लोग आते थे यहाँ पर, वो अपने लिए ही वो आते थे। यहाँ पर जो उपस्थिति हमने देखी, यहाँ तो 7 जात की उपस्थिति है। और हम चाहते हैं आज आगरा के मेयर हेमलता दिवाकर जी, उनने आके अपना यहाँ पर योगदान दिया है, हर बात से हमको संतुष्टि दी है। हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख सोनू दिवाकर मानवर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई देता हूँ। उनने जो भी कहा है वो सब जनता के सामने उनने आशीर्वाद दिया है कि आप किसी बात से कोई संतुष्टि देता हूँ अंशु भावों के। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तम भाई और हमारे ये सब लोग हैं ना, रूपा दिवाकर जी, राजेश कनौजिया जी, रवि दिवाकर, राधा रमन चौधरी जी और मुन्नालाल भाई साहब, के मुझे आज इन्होंने पहली बार, मैंने अपने नगरसन, जो हमारे नगरसन महाराज हैं, के पहली बार मुझे इनने दर्शन कराए। कई बार तो मैं वैसे दिमनी गया हूँ, ग्वालियर MP में पड़ता है, और आज मैं इन पूरी टीम को दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कि इनने मुझे कम से कम एक जगह रास्ता दिखाया। और अभी मेयर साहब भी आए हैं महापौर, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, कल से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है बड़े धूमधाम से। कल वो जागरण हुआ है, रात जगी है, और आज बहुत सुबह से 12 बजे से यहाँ बहुत अच्छा भव्य भंडारा चल रहा है और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। जो सन 78 में जो इस पर हुआ है, 78 में, और यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं होते हों उनके बच्चे होते हैं, बाबा से अगर मन्नत मांगे तो बच्चे होते हैं, और बाबा से जो भी कोई जो मन्नत मांगे वो सारे काम होते हैं। नगरसेन बाबा का जो मंदिर है और